नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज हम आपसे बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंचे और यहाँ दूसरी तरफ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उतर कर आ गए। आज राहुल गांधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई पड़ी और जानते हैं इन सबके बाद सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन ना तो नोटबंदी के खिलाफ देखने को मिला, ना ही महंगाई के खिलाफ, ना महिला सुरक्षा के खिलाफ, ना ही नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ। जितनी ज्यादा ताकत के साथ आज कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया है, जब जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बारी आती है तो कांग्रेस की ये ताकत कहां खो जाती है। आज के अपने रवैये को लेकर कांग्रेस खुद सवालों के कटघरे में खड़ी है। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह बवाल अमरावती में हुआ, असदुद्दीन ओवैसी पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद जिस तरह बवाल दिल्ली स्थित जामा मस्जिद पर हुआ, आज कुछ वैसा ही माहौल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम बड़े नेताओं ने बना दिया। इन नेताओं की फहरिस्त में दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। यहां पर आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन अशोक गहलोत शामिल है, मुकुल वासनिक शामिल है, केसी वेणुगोपाल शामिल है, तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, रणदीप सुरजेवाला सड़कों पर उतर आए राहुल गांधी के प्रदर्शन के लिए, राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन के लिए। और उसके बाद भारी बवाल मचा। बवाल इतना मचा कि पुलिस को तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा। आज राहुल गांधी की पूरी गिरफ्तारी को लेकर कैसा माहौल बना है देश में, इसे लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह कांग्रेस के जो नेता हैं स्टेशन पुलिस स्टेशन में जाकर रघुपति राघव राजा राम गाते हुए सुनाई पड़े हैं, जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। राहुल गांधी के लिए आज का समय काफी ज्यादा परेशान कर देने वाला, नेताओं ने इतना आंदोलन नहीं किया। आपको बता दें, आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से ऊपर कभी सोच ही नहीं पाई। राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर आज कांग्रेसी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, गिरफ्तार किए गए अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको कांग्रेस का ये बवाल सुनाते हैं, सुनिए जरा। पाँच लोगों में क्या फर्क पड़ता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ऐसे हमको आप ही करेंगे तो दिल्ली पुलिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमको इस शक्ल से यहाँ पे रखेंगे। अरे पांच लोगों में क्या फर्क पड़ने वाला, हम क्या करेंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। आप 100 लोग खड़े हैं, आप पूरा हमारे आपकी अंतरात्मा कोई कह रही, हम कह रहे हैं एक ही अंतरात्मा है, आपको चलना चाहिए हमारे साथ में, पीछे में चलो आगे आगे हम जा रहे हैं। यार अब कमाल की बात है, हाँ भाई हरीश जी, डीसीपी साहब हरीश जी किधर गए। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ, और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सोनिया इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा।
आज पता नहीं किस दिशा में लेना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए वो बिल्कुल गलत है, कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबी के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद, जय हिंद। 3 मिनट बताने के लिए थोड़ा नीचे कर लो भाई, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो जी। उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत थी? उसे रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है, आज के भी जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोची होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाली, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आरोप लगा है, राजनीतिकरण कर रहा है। आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, ईडी का पीछे में आगे पीछे में है, पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ज्यादा चुनाव होते हैं वहाँ सीबीआई ईडी आ गई है। अरे यार, कब तक चलेगा देश के अंदर? देश वाले जानना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन कह रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला पहली बार कर रहा है, पहली बार सत्याग्रह कर रहा है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार करने वाले सिस्टम बैठे हुए हैं, ऐसा करप्शन हमने 40 साल कभी नहीं देखा। इनको समझ नहीं आती है क्या? जो प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री को नहीं मालूम है इतना कर्ज बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया है, इनकम टैक्स विभाग को सब जगह कर्ज बढ़ गया है, उसको रोकने का भी प्रयास नहीं। मांग करते हैं एक कृपा करो प्रधानमंत्री जी, एक आप आरोप देशवासियों को संबोधित करो कि शांति भाईचारा ₹5 का फर्क पड़ता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ऐसे हमको आप निकाले तो फिर दिल्ली पुलिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पे रखेंगे? अरे 5 लोगों में क्या फर्क पड़ने वाला, हम क्या कहेंगे? आप भी हमारे साथ चलिए, 100 लोग खड़े हैं, आप पूरा हमारे आपकी अंतरात्मा कोई कह रही, हम कह रहे हैं एक ही अंतरात्मा है सबकी, आपको चलना चाहिए हमारे साथ में, पीछे में चलो आगे आगे हम जा रहे हैं। यार अब कमाल की बात है, हाँ भाई हरीश जी, डीसीपी साहब हरीश जी किधर गए? राघव राजा।